Hey, what's up? Welcome to part 9 of 0 to 1 crore series. Alright, I hope आपको इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है and मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है because I know the kind of value that you are getting out of this particular series. As of now, अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको अपनी ऑनलाइन सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, राइट? नाउ वी हैव हिट द नेल वेयर इट एक्चुअली मैटर्स. नाउ यू नो अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है. The reality is that you are still going to be missing out on at least 30-40% of your customers. अभी तक आपको जितना पता है अगर आपने सिर्फ उतना करा है तो. Because in this video, we are going to talk about how to scale your online business massively. I mean, super massively. So, अभी मेरे को आपको दो concepts समझाने बहुत ज़रूरी हैं. The first concept is LTV, which is lifetime customer value. And the second concept is AOV, which is average order value. Alright? ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा matter करती है. आपके business की scaling के लिए बहुत ज़्यादा matter करती है. Lifetime customer value का मतलब है कि एक customer over a period of the lifetime आपको कितना revenue देके जाता है. आपको अपने business में ये जो lifetime customer value है वो पता होनी चाहिए. Okay? On an average, अगर आपके पास 1,000 customers हैं, 1,000 customers आपको, 1,000 customers में से 100 customers आपको एक साल में 1,000 रुपये का धंधा देते हैं ईच. 500 customers आपको लेट्स से 500 रुपये का धंधा देते हैं ईच. और 400 customers आपको लेट्स से 100 रुपये का धंधा देते हैं ईच. तो आप सबको ऐड करोगे, जितना रेवेन्यू आया उसको फिर आप 1,000 से डिवाइड करोगे एंड दैट विल बी योर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू. और वो हो गई एक साल की. ऑन एन एवरेज अगर आपका एक कस्टमर 3 साल आपके साथ टिकता है तो वो जो लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी. Alright, so these are the numbers. So basically, आपका lifetime customer value क्या है वो आपको idea होना चाहिए. आप जब starting कर रहे हो अपने business की, अगर आप starting कर रहे हो, obviously आपको ये चीज़ नहीं पता होंगी, but you need to know the concept कि आपको आगे जाके पता होना चाहिए कि on an average एक person मेरे business पे approximately कितना खर्चा करता है. ठीक है, अगर मैं मैकडी की बात करूं तो मैकडी पे ऑन एन एवरेज आप एक साल में कितना खर्चा करते हो. आप लेट से मैकडी पे एक साल में मैकडोनल्ड्स में लेट से 500 रुपये खर्चा करते हो. दूसरा आपका जो फ्रेंड है वो ऑन एन एवरेज मैकडी पे एक साल में 1,000 रुपये का खर्चा करता है. तो दोनों मिला के आप 1,500 रुपये का खर्चा कर रहे हो. और 1,500 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि अगर मैकडी की लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू देखी जाए और अगर उसके पास यही दो कस्टमर्स हैं तो वो है 750 रुपये, 1,500 डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल गेट टू नो योर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू पता होने से होता क्या है, ये पता चलता है कि भाई अगर मेरे को एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू देके जाता है. अगर मेरे को ये पता होगा तो मेरे को ये भी पता होगा कि मैकडी को अब ये चीज पता है कि यार ऑन एन एवरेज जब एक बंदा पहली बार मैकडी में आता है, उसके स्टोर पे आता है, तो वो ऑन एन एवरेज लेट से 50 रुपये का खर्चा करता है. लेकिन मैकडी को ये पता है कि वो ऑन एन एवरेज एक साल में 750 का खर्चा करता है. तो अगर मैकडी एड्स चला रहा है, कस्टमर एक्विजिशन कर रहा है, अपने ब्रांडिंग कर रहा है, तो अगर उस कस्टमर एक्विजिशन में अगर उसे 100 रुपये भी खर्च हो रहे हैं, 200 रुपये भी खर्च हो रहे हैं, तो इनिशियली तो पहली परचेज में तो उसे 50 ही मिलेंगे. लेकिन मैकडी को अपने नंबर्स पता है, मैकडी को पता है कि ऑन एन एवरेज वही कस्टमर उसको एक साल का 750 भी देके जाएगा. तो अगर वो 200 रुपए खर्च करके 50 की भी अर्निंग कर रहा है, इट्स फाइन. द सेम थिंग जियो ऑल्सो डिड. एक साल तक उसने आपको फ्री में दिया, या शायद 1.5 साल तक फ्री में दिया, राइट? इंडिया के अंदर. उससे क्या हुआ, जियो को पता था कि अगले साल से इतने करोड़ों कस्टमर का मंथली उसे मिलेगा. So that is how you plan your numbers, that is how you plan your advertising cost, that is how you plan your overall business. तो आपका ये LTV value over a period of time, once you have started doing business, आपको ये चीज़ों के बारे में idea होना चाहिए. Number one. Number two, average order value. At a time of purchase, आपका एक customer कितना spend कर रहा है, x कर रहा है या 2x कर रहा है या 3x कर रहा है. अगर x कर रहा है तो कैसे आप उसे 2x कर सकते हो, 2x ना सही तो 1.5x कैसे कर सकते हो. So हर चीज़ की strategies होती है. ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस की स्केलिंग में मैटर करती हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. राइट, सो एक कोच है, उनका नाम है जे अब्राहम. उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ कही थी, बहुत ही सिंपल थे, लेकिन सिंस उन्होंने कही थी सो आई हैव टू कोट हिम. सो स्केलिंग अ बिजनेस, इट कैन बी डन इन 3 very easy ways. नंबर 1, मोर कस्टमर्स. नंबर 2, दे स्पेंड मोर. नंबर 3, दे बाय मोर ऑफन. सिंपल. ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो कितने ज़्यादा उसके पास स्टोर में कस्टमर्स आ सकते हैं, यू नो, कीप ऑन मोर कस्टमर्स. इसीलिए वो अपनी फ्रेंचाइजीज भी लेके आता है अलग अलग शहरों में, ताकि वो उस शहर के कस्टमर्स भी मोर कस्टमर्स के पास पहुँच सके. हाउ कैन दे स्पेंड मोर?
राइट सो जैसे मैकडी पे आप जाते हो तो एक बंदा जाता तो है नॉर्मल बर्गर लेने के लिए, लेकिन वहां पे दे पिच यू कि यार बर्गर के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज और कोक भी ले लो तो आपको ये डिस्काउंटेड डील मिल जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर कोक अगर बर्गर से अकेला 50 रुपए का था तो विद फ्रेंच फ्राइज विद कोक आपको वो 80 रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें इंडिविजुअली लोगे तो आपको वो 100, 110, 120 की मिल रही थी, आपने बंडल में लिया तो 80 का। तो इससे क्या हुआ, आपको एक अच्छी बेटर डील मिल गई, लेकिन मैकडी ने आपसे ज्यादा पैसे कमा लिए, जो कि पहले आप 50 खर्चा करने वाले थे अब आपने 80 खर्चा करा। सो दैट इज हाउ दे वर एबल टू मेक यू स्पेंड मोर। डू यू सी, मोर कस्टमर्स स्पेंड मोर and they buy more often. And now the third thing is applying these strategies कि कैसे वो customers बार बार आ सके। मैं इस video में इन तीनों के बारे में बातें करूँगा, ठीक है? नंबर वन, सबसे पहले मोर कस्टमर्स के ऊपर बात करते हैं। थ्रू आउट दिस सीरीज, ये जो अभी आपने पूरी सीरीज देखी 0 to 1 crore, इस पूरी सीरीज में आपने अभी लर्न करा दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर लीड्स, हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्स एंड हाउ यू कैन इंक्रीज योर ओवरऑल कन्वर्जन्स। ये सारी चीज़ तो आपने पूरी देखी ली है, राइट, ओवरऑल। लेकिन इस ये जो आपने अभी आपने कस्टमर्स को बढ़ाना सीखा है अभी तक, उसके ऊपर भी देर आर टू मोर वेरी पावरफुल थिंग्स जो कि आपको 30 to 40% तक न्यू कस्टमर्स लाके देंगे। दैट्स रियलिटी, राइट। नंबर वन इज कार्ट अबैंडन। कार्ट अबैंडन के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राइट, कि आपके 70% से ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो कार्ट को अबैंडन करके चले जाते हैं, राइट। एवरेज कार्ट अबैंडनमेंट रेट इज जस्ट अंडर 70%, राइट। सो अभी मैं उनको कैसे वापस लेके आऊँ, राइट। एक तो ये है कि लोग जो मैंने अपने चेकआउट पेज को ऑप्टिमाइज कर लिया तो मैंने अपने कन्वर्जन्स तो बढ़ा लिए, लेकिन अभी भी जो और इतने सारे कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं मैं उनको भी कैसे लेके आऊँ, जो अब भी छोड़ के जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा नंबर है, उनको भी कैसे लेके आऊँ। दैट इज समथिंग जहाँ पे कि कार्ट अबैंडन का रोल आता है, ठीक है। सो मैं आपको इस चीज़ को करने के लिए वी हैव डन सम मैजिक इन साइड फ्लेक्सी फनल्स, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्लेक्सी फनल डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, पहले केस स्टडी दिखा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक ये हमारा मार्केट प्लेस प्रोडक्ट था, मैंने आपको बताया था मार्केट प्लेस प्रोडक्ट के बारे में, राइट। सो मार्केट प्लेस प्रोडक्ट में ये मेरे कार्ट अबैंडन के स्टार्ट्स हैं, ओके, ये मेरे कार्ट अबैंडन के स्टार्ट्स हैं। हैव अ लुक एट इट, कैन यू सी 164 यूनिक लिंक क्लिक्स एंड 1732 पीपल डिड नॉट क्लिक एनी लिंक, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ लोग हैं जिनको कि मेरी तरफ से कार्ट मार्केट प्लेसों के कार्ट अबैंडन का ईमेल गया है और इन्होंने इतने लोगों ने क्लिक करा है, इतने लोगों ने क्लिक नहीं करा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल लोग हो जाते हैं वो हो जाते हैं 1896, 1896 लोग टोटल जिनको ये ईमेल गया है, जिसमें से 164 ने क्लिक करा है, 1732 ने क्लिक नहीं करा है। अब आपको एक चीज़ ये समझनी जरूरी है कि भाई ये ईमेल उनके पास कैसे गया, कार्ड अबैंडन का ईमेल उनके पास कैसे गया, उन्होंने तो बाय ही नहीं करा था ना, तो मेल पे उनका डेटा कैसे आया। इसको कहते हैं कार्ड अबैंडन टैक्टिक। ये कैसे पता चलता है कि कोई भी बंदा अपने चेकआउट पेज पे अगर डिटेल्स डाल देगा तो हम लोग उसके डेटा को कैच कर लेते हैं, अगर उसने परचेज नहीं भी कराए तो भी, और ये फीचर हमने फ्लेक्सी फनल के अंदर डाला है, हम लोग उसके डेटा को कैच कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा, हैव अ लुक एट इट, मैंने इसके अंदर भी ये वाली केस स्टडी डाली थी इस वाले पेज में, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली उनके पास ईमेल जाता है राइट एट द मोमेंट, जैसे ही उसने बाय नहीं करा इसके ठीक आधे घंटे के बाद हमने यहाँ पे मेल सेट करा हुआ है, ठीक है, आधे घंटे के बाद उनके पास मेल चला जाता है। आप अगर देखोगे 164 लोगों ने इस मेल पे क्लिक करा है, द रीजन व्हाई दे डिड नॉट मेक द परचेज। अच्छा ये सोचो, ये वो लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो चेकआउट पेज पे आए चले गए, ये वो लोग हैं जो चेकआउट पेज पे आए अपनी पूरी डिटेल्स डाली, नेम, ईमेल, फोन नंबर सब कुछ डाला, एंड देन दे डिड नॉट मेक द परचेज, समथिंग हैपेंड, लाइफ हैपेंड, इंटरनेट नहीं चला, OTP नहीं आया, उनकी बिल्ली उनको छू के निकल गई, यू डोंट नो, लाइफ हैपेंड, लेकिन द सेल डिड नॉट हैपन। एज यू कैन सी द कार्ट अबैंडनमेंट रेट इन द ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, फॉर सम रीजन द सेल डिड नॉट हैपन, लेकिन मेरे को वो सेल चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या, लेकिन अब आप ये चीज़ समझ गए, ये वो लोग हैं जिनका कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट को बाय करने की। तो ये 164 लोगों ने फिर उस मेल पे क्लिक करा है, उनको पता है मैं उन्हें मेल कर रहा हूँ, उन्होंने खुद उस प्रोडक्ट की डिटेल्स पे डाला है कि भाई मेरे को ये चीज़ परचेज करनी थी, खुद उन्होंने बाय नहीं कर पाए थे फॉर सम रीज़न,
और जब मैंने उन्हें मेल भेजा, मैंने उनको ये बोला कि मेरे मेल में क्या लिखा होता है, फॉर सम रीजन यू वर नॉट एबल टू मेक द परचेज, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक टू मेक द परचेज अगेन, और वो लोग उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। अब आप खुद लगा लो कितने लोगों ने बाय करा होगा। मैं तो फिर भी ऑन अ सेफर साइड आपको बोल रहा हूँ, 164 में से सिर्फ 100 लोगों ने बाय करा होगा, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। अगर सिर्फ 100 लोगों ने भी बाय करा होगा, इन 164 लोगों में से भी मार्केट प्राइसों में ओवरऑल जो मेरे को एवरेज बाइंग प्राइस आ रहा था वो आ रहा था $150 का सारे कस्टमर्स में मिला के, यानी कि ये 100 लोगों ने अगर बाय करा तो मेरे को $15,000 का फ्री रेवेन्यू मिला, जो कि आज से पहले मेरे को नहीं मिलता अगर मेरे यह कार्ट अबैंडन इसमें नहीं सेट हो रखा होता तो। आई डोंट यू राइट, ऑनलाइन बिजनेस जितना आपको ऊपर दिखता है उससे बहुत ज्यादा वो नीचे है। एंड दीज आर द थिंग्स दैट मैटर, दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से एक बिजनेस स्केल होता है, दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से एक बिजनेस स्केल नहीं होता है। ये तो पहली चीज है जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई। इस वीडियो में मेरे को बताने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है, जस्ट वन थिंग राइट। आपको ये भी दिखा देते हैं कि हम लोग आपके लिए दो तीन चीज़ें कर रहे हैं। मैंने आपके सामने ये वाला प्रोडक्ट बनाया था ना, आपको मैं दिखा देता हूँ हाउ दिस थिंग वर्क्स। ये चेकआउट पेज है जो हमने कल बनाया था आपके इस वाले उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे अपना नेम डाला, मैंने यहाँ पे अपना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, मैंने यहाँ पे अपना एक रैंडम ईमेल आईडी डाला, मैडीप्रन्योर प्लस कार्ट अबैंडन @gmail.com, ठीक है। और मैं यहाँ पे हूँ, अब आपको यहाँ पे लेके चलते हैं app.flexifinance.com/report, या रिपोर्ट एंड इसको अभी अपन क्या करेंगे, लेट्स से मैंने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करा, ठीक है, एंड आई एम नॉट मेकिंग द परचेज। तो मैं अपने ओवरव्यू पे जाऊंगा फ्लेक्सी फनल्स के अंदर और यहाँ पे जाके कार्ट अबैंडन पे जाऊंगा। कैन यू सी कि ये डेटा फ्लेक्सी फनल्स ने ऑटोमेटिकली कैच करके आपको दिखा दिया है, दैट्स अ ब्यूटी राइट। हम आपको आपका सारा डेटा दिखा देते हैं इमीडिएटली कि ये बंदा आया, इसने नहीं बाय करा। I am showing you the data, you can make a call to them, get the sale done, as simple as that, right? और अभी तो हम लोग अभी तो हमने आपको यही फीचर दिया है, आप ये एक्सपोर्ट CSV करोगे तो आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, whatever, एक्सेक्ट्रा, सब कुछ जो भी आपने अपने चेकआउट पेज पर डाला है। अभी तो हम आपको सिर्फ यही डेटा दिखा रहे हैं, कल की डेट में अभी फ्लेक्सी के अंदर क्या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किसने चेकआउट पेज पे आया, डिटेल डाली और परचेज नहीं करा, वो डेटा तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कल की डेट में आपको हमारे फ्लेक्सी के चेकआउट पेजेस पे हम आपको ये भी दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं, जो मैंने आपको कार्ट अबैंडन ईमेल्स करे थे ना, जो दिखाए थे इन द प्रोडक्ट सेटिंग्स, यहीं पे हम फीचर देने वाले हैं दो चीज़ों का। अभी तो हम आपको कार्ट अबैंडन का डेटा दिखा रहे हैं कि यू कैन रीच आउट टू देम मैनुअली, मेक द सेल हैपन राइट। एंड ये हमने हमारे EBW2 इवेंट में भी यूज़ करा था, डेली की हमें कम से कम एक से दो सेल आई थी इन द EBW2 इवेंट राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, चेकआउट पे जाते थे, परचेज नहीं करते थे, वी यूज टू हैव द डेटा, दे यूज टू मेक द परचेज, वी यूज टू कॉल देम, दे यूज टू परचेज राइट। अभी इसमें दो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ये वाला प्रोडक्ट था राइट, यहाँ पे सेट रूल्स के अंदर अभी मैंने आपको कल दिखाया था ना कि आपका जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, प्रोडक्ट इज परचेस्ड, वो डेटा हम लोग आपको पास करते हैं आपकी लिस्ट के अंदर। यहाँ पे हम एक फीचर और देने वाले हैं कि जैसे ही कोई डेटा कार्ट अबैंडन करके जाएगा तो वो डेटा भी हम पास करेंगे, वो आप अपनी किसी भी कार्ट अबैंडन लिस्ट में डाल सकते हो और वहां से आप ईमेल ऑटोमेशन सीक्वेंसेस उसे ट्रिगर कर सकते हो, दे विल लीड बैक टू योर प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमेटिकली आप ये ऑटोमेशन पे सेल्स अपनी जनरेट करोगे, नंबर वन। नंबर टू इज हम फ्लेक्सी के अंदर ही कार्ट अबैंडनमेंट सीक्वेंस लेके आने वाले हैं, तो इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, फ्लेक्सी के अंदर ही कार्ट अबैंडन सीक्वेंस आ जाएगा। आपके प्रोडक्ट को अगर कोई चेकआउट करके जाएगा उसको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से मेल चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें आपके प्रोडक्ट का बाइंग लिंक होगा, वो खुद आएगा, बाय करेगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होएगा। हाउ गुड इज दैट, गिव मी अ वन इन द चैट बॉक्स, इन द कॉमेंट बॉक्स, व्हाटएवर इट इज राइट। दिस इज वर्स्ट फीचर right, so just this one thing like I showed you, just this one thing helped us to earn over $15,000 in just one product right। इसके बाद द सेकेंड थिंग दैट मैटर्स इज कि यार ये तो वो लोग हो गए जिसने की अपनी डिटेल्स आई थी चेकआउट पेज पे एंड देन दे डिड नॉट मेक द परचेज, मेरे पे कार्ड अबैंडन की टेक्नोलॉजी थी, मैंने उनको वापस बुला लिया बाय कॉलिंग बाय ईमेल, दे मेक द परचेज राइट। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर सेट ऑफ पीपल जो कि आए चेकआउट पेज पे लेकिन परचेज करके नहीं गए,
अब मैं उनको कैसे लेके आऊँ, उनको कहाँ ढूंढू? दैट्स वेयर रीमार्केटिंग कम्स इनटू द पिक्चर. रीमार्केटिंग एड्स फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, हर प्लेटफॉर्म पे यू कैन रन रीमार्केटिंग एड्स. बेसिकली रीमार्केटिंग एड्स होते हैं कि जो लोग आपके चेकआउट पेज पे आए या सेल्स पेज पे आए, नहीं बाय करा, आपको कैसे पता चला नहीं बाय करा? फेसबुक को कैसे पता चला नहीं बाय करा? बेसिकली फेसबुक आपको एक कोड देता है, गूगल आपको एक कोड देता है, वो कोड आपको अपने सेल्स पेज पे, चेकआउट पेज पे, थैंक यू पेज पे डालना होता है और आपको वहाँ पे एक लॉजिक बनाने का ऑप्शन आता है फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आप ये लॉजिक बना सकते हो कि कौन बंदा इस पेज पे आया, इस पे नहीं आया. फेसबुक पूरा डेटा ट्रैक करता है और अगर वो इस पेज पे आया, इस पे नहीं आया, इट मीन्स कि सेल नहीं हुई, क्योंकि थैंक यू पेज पे तो गया ही नहीं ना, यानी कि सेल नहीं हुई. तो जब सेल नहीं हुई है तो नाउ फेसबुक नोज कि इसको मेरे को रीमार्केटिंग एड सिखाने हैं और वहाँ पे आप अपने रीमार्केटिंग एड सिखा सकते हो, राइट? सो क्विक गूगल सर्च, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ. सबसे पहले रीमार्केटिंग आरओआई के स्टार्ट्स, आपको पता होना चाहिए इस चीज की पावर क्या है. रीमार्केटिंग आरओआई स्टार्ट्स, हैव अ लुक एट इट. जस्ट अ कपल ऑफ लिंक्स आई एम गोना ओपन, जो सबसे पहले एक दो लिंक्स हैं, सो दैट यू नो कि ये सबसे पावरफुल स्टार्ट्स हैं. 77% ऑफ मार्केटर्स आर यूजिंग रीटारगेटिंग एज पार्ट ऑफ द फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी. इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स यू सेल, इट इज समथिंग विच इज क्रिटिकल. 46% of search engine marketers believe retargeting is the most underused online marketing tactic. Yes, it is. Facebook custom audience, I mean, all these things. Primary goal of remarketing, brand awareness, driving sales. Yes. Only 2% of website visitors convert during their first visit. Ye stat aapke liye matter karna chahiye. Sirf 2% log kisi bhi website ki first visit mein convert hote hain. Maximum people, they make the purchase after they hear you, after they hear about you a lot of times. See, companies like Coca-Cola, Apple, these are not mad कि वो लोग आपको हर जगह अपने ऐड दिखाते हैं. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पे ऐड है. आप मोबाइल खोल रहे हो, वहाँ पे ऐड है. आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे ऐड है. आप रोड पे जा रहे हो, बिलबोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह आपको ऐड दिखा रहे हैं. उन्हें भी पता है कि हर बंदा हर समय उनका कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, लेकिन उन्हें ये पता है कि जब उसे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन होगा, उसे मेरे कोल्ड ड्रिंक की याद आनी चाहिए. आई शुड बी द फर्स्ट ब्रांड दैट दे शुड बी रिमेंबरिंग. सो दैट्स वाई रीटारगेटिंग एंड मल्टीपल रिमाइंडर्स दे हेल्प in increasing the sales. That's where you end up making more revenue. That is why आपका जो product की pricing होती है उसमें आपका advertising की cost भी included होनी चाहिए. Around 30-40-50% आपको सिर्फ और सिर्फ customer acquisition के लिए छोड़ना चाहिए, कि इतना उसके बाद profit के लिए छोड़ना चाहिए, उसके बाद manufacturing cost of the product. That is how you should be deciding the pricing of your product. ठीक है? The average CTR for retargeting ads is 0.7% compared to 0.07% for display ads. 10 times ka difference hai, boss. I mean, in short, you have got the idea, right? Aap retargeting ads chalaoge, you are going to make a lot more revenue. It's as simple as that. We make a lot of revenue by retargeting ads. You are going to make a lot of revenue by running the retargeting ads. Lekin, problem ye hai ki jo India ke jo payment gateway companies thi, wo aapko code dalne ka option nahi deti thi unke checkout pages pe. इंस्टा मुझे में तो नहीं था, कैश पे में भी नहीं था, रेजर पे के अंदर है, लेकिन वहाँ पे है, राइट? इनसाइड फ्लेक्सी फनल्स, आप अपने खुद के चेकआउट पेजेस खुद बना सकते हो. एज यू हैव सीन, फ्लेक्सी फनल्स के अंदर हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने हेड पे या बॉडी में जो कोड डालना है डालो, आपको जो डालना है डालो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन रन दी मार्केटिंग एड्स. सिंपल. ये सिंपल फीचर अलोन इज गोइंग टू मेक यू अ लॉट ऑफ सेल्स, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट स्केलिंग अ बिजनेस. स्केलिंग अ बिजनेस के अंदर अभी हमने पहले पॉइंट पे बात करी थी, विच इज गेटिंग मोर कस्टमर्स, राइट? गेटिंग मोर कस्टमर्स. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कन्वर्जन कैसे बढ़ाएं, जो लोग वहीं पे डायरेक्टली बाय करके जाने वाले हैं. इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप अपने कन्वर्जन को और इंक्रीज करोगे आउट ऑफ दोज कस्टमर्स जो कि छोड़ के चले गए थे, लेकिन नाउ दे आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक एंड नाउ दे आर गोइंग टू मेक द परचेज. ऑलराइट, in the part 2 of this video I'm going to show you that how you are going to make people spend more. Okay, kaise aap apne unhi customers se zyada paise kharch karwaoge. So that is something that I'm going to show you in the next video. ठीक है, अब आपने ज्यादा कस्टमर एक्वायर करना तो सीख लिया, लेकिन अब आप उनसे ज्यादा परचेजेस कैसे कराओगे? आप अगर मैकडॉनल्ड्स हो तो आपको कस्टमर लेके आना तो आपको सीख गए. अब आपको ये सीखना है कि आप उसे सिर्फ बर्गर कैसे बेचो, या फिर बर्गर के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक साथ में कैसे बेचें, या फिर उस वैल्यू को आप कैसे कैसे बढ़ाते जाएं. दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, सो अभी तक आपने ये सीख लिया है कि कैसे आप अपने बिजनेस में ज्यादा कस्टमर्स लेके आते हैं, राइट? सो देयर वर थ्री वेज ऑफ स्केलिंग अ बिजनेस: more customers, spending more,
एंड बाइंग मोर ऑफन. तो अभी तक आपको कैसे ज्यादा कस्टमर्स लेके आने ये चीज समझ में आ गई है. इफ आई टेक द एग्जांपल, अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करूं, तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स हैं तो आप कस्टमर्स को, ज्यादा कस्टमर्स को अपने स्टोर में कैसे लेके आएंगे, ये चीज अब आपको समझ में आ चुकी है. लेकिन अब आप उन्हें उनसे ज्यादा खर्चा कैसे करवाएंगे, अभी आपको ये चीज समझनी बाकी है. सो अगर वो अभी तक आपके स्टोर में आके सिर्फ बर्गर बाय करने वाले थे, तो कैसे आप उनसे ज्यादा खर्चा करवा के बर्गर के साथ साथ एक फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर करवाओगे, कोक भी ऑर्डर करवाओगे, सब कुछ कैसे ऑर्डर करवाओगे. सो बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम स्पेंड मोर, दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न फोर वेज थ्रू विच यू विल बी एबल टू मेक योर कस्टमर्स स्पेंड मोर राइट एट द टाइम ऑफ द परचेज. ओके, दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर राइट एट द टाइम ऑफ द परचेज. फोर वेज, राइट? For you to get access to this PPT for free, the link is in the description. नीचे description में link दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाओ, sign up करो. वहाँ पे जाके आपको PPT इस पूरी series की 0 to 1 crore series की सारी PPTs आपको मिल जाएंगी, number one. और जितने हमने आपको free resources दिए हैं, for example, 1000 से ज़्यादा टॉप कन्वर्टिंग फनल्स, नंबर वन. नंबर टू, आपको प्रोडक्ट क्रिएशन मास्टर क्लास का एक्सेस दिया था. सारे फ्री रिसोर्सेज आपको वहीं पे मिल जाएंगे, आपके ईमेल पे आपको एक्सेस आ जाएगा, राइट? सो साइन अप ओवर देयर, यू विल गेट द एक्सेस. एंड दिस सीरीज, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, इज ब्रॉट टू यू बाय फ्लेक्सी फनल्स, विच इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंड सिक्योर्ड फनल बिल्डर. गो एंड चेक आउट flexifunnels.com. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.